समय बदल रहा है, समय के साथ व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पहले लड़कियां जो है अध्यात्म के क्षेत्र में कम कार्य करती थीं, आज जिन अध्यात्म के क्षेत्र में जिन कार्यों के लिए उनकी अनुमति है शास्त्र की, उसमें प्रायः लड़कियां बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। और गंगा आरती में सामान्य पूजा पाठ में तो स्त्री का अधिकार है ही, अपने यहाँ तो यज्ञ में बिना पत्नी के जो है यज्ञ संपन्न ही नहीं होता था। यज्ञ में अधिकार तभी होता था जब व्यक्ति विवाहित होता था, लेकिन आज जो स्थिति है इसमें गंगा आरती में उनको भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसे कोई शास्त्र का कोई विरोध नहीं, समय की मांग थी, परिस्थितियाँ ऐसी थीं और कहीं रोक नहीं था, ये नहीं था कि लड़कियाँ ये काम न करें, करती थीं लेकिन कम करती थीं, उनका जैसे जैसे वो कार्य क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं उनका भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोर्स में तो कम है, यहाँ अभी दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल केंद्र खुला है उसमें कर्मकांड वगैरह में अभी प्रवेश होने जा रहा है।